आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का टप्पा। शक्ति सलगाउकर, एब्सेंट सर। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरत बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरत बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कई बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSE बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश जहाँ गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSE बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र, ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्चीज के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है या अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपनी बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेज़ी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है या अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरत बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरत बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSE बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शान संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र, ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आसपास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्चित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कई बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSE बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कई बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शान संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं। परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है। बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है, इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अंबेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने, फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजने का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का उठता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर भाई बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड, टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र
ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले, हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शान संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा, तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है। मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं। अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में।
हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके पास पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेजी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सैफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सैफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइपलेट के झटके और एक्शन कहानी में नहीं रहेगा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं हैं कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है या अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज़ में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। परीक्षा फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। हर मोहल्ले हर गली में इंग्लिश मीडियम खुल चुके हैं, मगर शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल की बात ही अलग होती है। वहाँ अपने बच्चों को भेजना का ख्वाब कच्ची बस्ती वालों की आंखों में भी होता है, मगर सवाल हैसियत का होता है। सबको समान शिक्षा का लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले बुच्ची पासवान के सपने की कहानी अपनी फिल्म परीक्षा में लाया है। सपना अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ाने का। बुच्ची हर रोज स्कूल के बच्चों को साइकिल रिक्शा पर ढो कर ले जाता और यही सोचता कि क्या उसके किशोर वय बुलबुल का यहाँ एडमिशन हो सकेगा, परंतु महंगी फीस कैसे भरी जाएगी। इस कहानी में प्रकाश झा ने टेढ़ी मेढ़ी पंगडंडिया के बजाय कुछ सीधे रास्ते बनाए हैं। वह अपनी पिछली सामाजिक फिल्मों की तरह यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ते और सीधे सीधे बात कहते हैं। उन्होंने बुच्ची के सपनों को धैर्य से रचा है। बुच्ची बने आदिल हुसैन की खूबी यह है कि जब जब वह बुलबुल की पढ़ाई की बात करते हैं तो आपको सपने उनकी आंखों में दिख भी जाते हैं। बुच्ची की सीधी सच्ची राय है कि स्टेट बोर्ड वाले सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल ने उसका बेटा भले ही अव्वल माए, मगर जिंदगी में तरक्की की राह निकलेगी
तो CBSE के कोर्स वाले सैफायर इंटरनेशनल में पढ़ने से ही। ऐसा नहीं हुआ तो बुलबुल को भी शायद साइकिल रिक्शा के पैंडल मारकर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुच्ची के सपने को उसके आस पास रहने वाले का सपोर्ट नहीं है। एक कहता है हो सकता है कि बुलबुल अंग्रेज़ी पढ़ ले तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चला सकता है, जबकि दूसरा कहता है सफायर में पढ़ाई का ख्याल तो बहुत फॉरवर्ड है पर पॉसिबल नहीं। क्या वाकई सच का एक ही पहलू है? प्रकाश झा ने CTSP बने संजय सूरी के रूप में बुच्ची के ख्वाबों का काउंटर बुना है, जो बुलबुल की तरह ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर बना। असर मुद्दों में पढ़ाई की भूख का, जिसे पढ़ने की भूख होगी वह आगे निकल जाएगा। परीक्षा में बुच्ची का सपना पूरा होता है, उसके बच्चे का सफायर इंटरनेशनल की क्लास 10 में एडमिशन हो जाता है। बच्चे की मांग, फीस, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग के लिए वह दिन रात एक करता है, मगर फिर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है जो बुलबुल की स्कूली परीक्षा से कहीं बड़ी है। प्रकाश झा ने शिक्षा जगत में किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण की डिमांड टाइप लटके झटके और एक्शन कहानी में नहीं रखा, मगर वह शांत संयंत्र ढंग से वर्जित वर्ग के बुद्धिमान प्रतिभावना बच्चों के लिए एक प्रकार के आरक्षण की ही डिमांड यहाँ करते हैं। उनका तर्क है कि अगर समाज में तरक्की कर चुका संपन्न वर्ग पीछे रह गए लोगों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, उनके काबिल बच्चों को अपने बीच जगह नहीं देगा तो वे आगे कैसे बढ़े। इस गलाकट प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था में प्रकाश झा गांधीवाद सादगी की उम्मीद करते हैं, जो एक किस्म का आदर्श हो सकते हैं, परंतु क्या सचमुच यह संभव है या ऐसा भी होता है? मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह और जय गंगाजल जैसी फिल्मों में समाज, प्रशासन तथा सत्ता से टकराने रहने वाले प्रकाश झा के तेवर परीक्षा में पूरी तरह बदले हुए हैं। वहाँ यहाँ किसी से नाराज तक नहीं होते, बल्कि टकराव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सिंपल बना देते। बुरा आदमी यहाँ उतने बुरे नहीं है कि आपके रक्त का ताप बढ़ जाए। क्या प्रकाश झा में आया बदलाव यह बताता है कि सत्ता से टकराव वाला सिनेमा बनाने का वक्त बीत चुका है? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय नहीं? अगर ऐसा है तो सचमुच बहुत दुखद है, बावजूद इसके कि फिल्म समाज में परिवर्तन की कुछ जरूरती बातों करती है। इसकी आवाज में इंकलाब नहीं है, जो पिछली फिल्मों में प्रकाश झा का मुख्य स्वर हुआ करता है। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।